तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी बेटर। आज की इस वीडियो के अंदर हम कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। कहाँ कौन सी क्या कॉलेज है, प्राइवेट कौन सी है, गवर्नमेंट कौन सी है, टॉप कौन सी है, कहाँ हमें एडमिशन लेना चाहिए, कितने नंबर पर हमें कौन सी कॉलेज मिल जाएगी, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो गाइज, पेशेंस बनाकर वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। थोड़ी सी लंबी वीडियो है, बट अगर आप कंप्लीट इसको देख लेते हैं तो कॉलेजेस के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत पता लग जाएगा कि कहाँ पर क्या कौन सी कॉलेजेज है, और नाम से आप लोगों को थोड़ा बहुत पता लग जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा फीस का स्ट्रक्चर क्या है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। तो कॉलेज के ऊपर फुल डिटेल वीडियो होने वाली है। जो लोग भी द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। जितने भी लोग नए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले, और बेल आइकन को ऑल पर जरूर जरूर सेलेक्ट कर ले, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और सबसे अच्छी एक बात बताना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट हमसे काउंसलिंग करवाना चाहता है वो करवा सकता है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, रिजल्ट से पहले आप लोगों के रजिस्ट्रेशन फीस मात्र 300 रुपये है। जैसे ही जो आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, फिर आप लोगों की रजिस्ट्रेशन की फीस जो है वो 500 रुपये हो जाएगी। इसीलिए अभी बोल रहा हूँ, और हमारी जो सीट है वो ज़्यादातर भर चुकी हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को अभी भी रजिस्ट्रेशन करवाना है काउंसलिंग के लिए, वो रिजल्ट से पहले पहले करवा दो, 300 रुपये में हो रहा है। बट अगर एक बार रिजल्ट आ गया तो उसके बाद में अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाओगे तो उसकी रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपये लगने वाली है। मैं पहले भी बता दिया हूँ और अब दोबारा भी बता रहा हूँ, तो जिन्होंने अभी तक नहीं करवाया, रिजल्ट से पहले आप करवा लो, ठीक है ना। क्योंकि बाद में भी करवाना पड़ेगा, अभी भी करवाना पड़ेगा। तो आप अगर ऑलरेडी हमारे पास में रहोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छी सुविधा आप लोगों को मिलने वाली है, ठीक है। चलो, अब हम बात कर लेते हैं कॉलेजेस के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर देखो, जयपुर के अंदर सबसे जो बेस्ट कॉलेजेज है वो है SMS कॉलेज। अब बोलोगे भैया आपने तो इसको दूसरे नंबर पे रखी है। नहीं, ऐसा नहीं है, लिखने में रख दिए है ना। बट सबसे बेस्ट कॉलेज की अगर मैं बात करूँ जयपुर के अंदर, और BSc नर्सिंग में बेस्ट कॉलेज की बात करूँ, जहाँ पर कि 0 रुपये यानी कि फीस तो लगती ही नहीं है, उस कॉलेज का नाम है SMS कॉलेज, जो कि कहाँ है, जयपुर के अंदर है। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो जो गवर्नमेंट कॉलेज है दोनों ना, एक SMS और एक RUHS, ये भी आप लोगों की गवर्नमेंट कॉलेज है दोनों। और इन कॉलेजेस के अंदर आप लोगों की जो SMS कॉलेज है, इसके अंदर तो फीस बिल्कुल नहीं लगती है। RUHS के अंदर आप लोगों की जो फीस लगती है वो लगती है 20,000 रुपये गर्ल्स की, SC ST बॉयज की, ठीक है ना। आगे हम जयपुर की बात करें, जयपुर के अंदर एक कॉलेज है जिसका कि नाम आप सभी ने देख रखा है या देखो, बियानी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस गर्ल्स कॉलेज है ये, है ना। कौन सी कॉलेज है ये? गर्ल्स कॉलेज है। इसके बाद में हमारे पास में जो कॉलेज आती है वो आती है आदि कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इसके बाद में जो कॉलेज आती है वो आती है आयुष्मान इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अच्छी कॉलेज है। इसके बाद में आती है BLM कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है ना। इसके बाद में आती है BLM कॉलेज। इसके बाद में आती है बिरला नर्सिंग कॉलेज। कौन सी? बिरला नर्सिंग कॉलेज। इसके बाद में आती है DH कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इसके बाद में आती है DP तिवारी। इसके बाद में आती है देवी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज। इसके बाद में आती है हमारे पास में जो कॉलेज है वो है धन्वंतरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। गाइज, बहुत अच्छी कॉलेज है, इसका खुद का अलग से हॉस्पिटल भी है, खुद की अलग से कॉलेज भी है, ठीक है। उसके बाद में टॉप कॉलेजेस के अंदर आ जाती है GL सैनी मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सैनियों की है भाई, है ना, GL सैनी। इसके बाद में है गांधीपथ जो आप लोगों की कॉलेज है नर्सिंग की, ठीक है ना, गांधीपथ पुरुषोत्तम शेखावाटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये आप लोगों की हो जाएगी। इसके बाद में है गणपति किशोरी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है ना, ये भी अच्छी कॉलेज है ना। मैं जो कॉलेज का नाम बता रहा हूँ ये सारी अच्छी कॉलेज है, और ये सारी जयपुर के अंदर है। ये सारी जो कॉलेज बता रहा हूँ ये सब जयपुर के अंदर आप लोगों के कॉलेज रहने वाली है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो नेक्स्ट कॉलेज है हमारे पास में इम्पेरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इसके बाद में है हमारे पास में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड नर्सिंग एजुकेशन, सीतापुरा जयपुर के अंदर है। कौन सी जगह है ये? ये सीतापुरा में है ना, अच्छी कॉलेज है ये भी। जय दुर्गा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये भी अच्छी कॉलेज है, जय दुर्गा। ये सारी प्राइवेट कॉलेजेज की लिस्ट में बता रहा हूँ, जिनकी फीस पर ईयर 95,000 से और 1 लाख रुपये तक जाएगी, है ना, कितने, 95,000 से 1 लाख रुपए तक आप लोगों की फीस रहने वाली है प्राइवेट कॉलेज, जितने भी ये नाम बता रहा हूँ ना, RUHS को और SMS को छोड़ के, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, जय दुर्गा कॉलेज हो गई अपनी। इसके बाद में है जयपुर कॉलेज ऑफ हॉस्पिटल, और जो है टोंक रोड पे ये कॉलेज आप लोगों की, कहाँ पर है ये? टोंक रोड पर आप लोगों की कॉलेज है ये, ठीक है।
इसके बाद में है जयपुर हॉस्पिटल कॉलेज एंड नर्सिंग सीतापुर। अब देखो भाई एक चीज और बताना चाहूंगा, जिस कॉलेज के अंदर ये लिखा हुआ ना जयपुर हॉस्पिटल कॉलेज, अब आप लोगों को लगेगा भाई जयपुर में है, हॉस्पिटल भी है इसका, कॉलेज भी है इसकी, है ना। तो ऐसा नहीं है, है ना। कुछ कॉलेजेज ऐसे हैं जो नाम अजीब अजीब रख रहे हैं ना। और जैसे मैं बात करूं कि SMS कॉलेज, हमने ऊपर ऊपर देखी गवर्नमेंट टॉप कॉलेज है, बट अजमेर के अंदर शायद, या अलवर के अंदर, अजमेर के अंदर है SMS कॉलेज, वो प्राइवेट कॉलेज है ना। तो इसका भी ध्यान रखना है अपन को ना, वो सारी चीज अपन डिस्कस करेंगे, अलग अलग कर लेंगे ना। अभी हम जयपुर की बात कर लेते हैं इसके अंदर, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी आप लोग नीचे कमेंट करोगे उसकी कर लेंगे ना, जिसके ज्यादा कमेंट आएंगे। जैसे कोई कहेगा कि अलवर की करो और 10-15 कमेंट आ गए अलवर के, तो अलवर की कर लेंगे, फिर भरतपुर की कर लेंगे, इस तरीके से अपन कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो एक कॉलेज है जीवन श्री नर्सिंग कॉलेज, अच्छी है ये भी, लिबर्टी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये भी भर देना आप ना। महाराणा प्रताप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन, ये भी अच्छी है ना, इसको भी भर देना। महात्मा ज्योतिबा फुले कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इसके बाद में मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग टोंक फाटक, टोंक फाटक पर ही। मदर टेरेसा नर्सिंग पैरामेडिकल, इसमें पैरामेडिकल और नर्सिंग दोनों कोर्सेज होते हैं भाई, ठीक है। पिंक सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, पिंक सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अच्छी कॉलेज है ये भी, है ना। इसके बाद में है हमारे पास में जो कॉलेज आती है वो आती है राजस्थान कॉलेज, और राजश्री कॉलेज, है ना। एक राजश्री है और एक राजस्थान कॉलेज है, ठीक है ना। और एक अजमेर रोड पर है, और एक जो है सॉरी एक अजमेर रोड पे है ना, ये देख लेना आप ना। और इनकी कहाँ कहाँ आएंगी ये भी मैं बता दूंगा। इसके बाद में हमारे पास में रावत नर्सिंग कॉलेज है ना भाई, ये थोड़ी ऐसी कॉलेज है, इसको मत भरना आप ना, रावत नर्सिंग कॉलेज है ना। इसके बाद में रूंगटा के अंदर है, ये भी सही है कॉलेज है ना। सेंट फ्लोरेंस जो कॉलेज है ये भी भाई ऐसी है थोड़ी बहुत, है ना। इसके बाद में सकेत नर्सिंग, ये भी थोड़ी लो है ना, इनका ध्यान रखना है ना। और जो ये कॉलेज तो वो भरेंगे ना जिनको के चांस है कि 20-22 नंबर है, वो आप लोग ये वाले कॉलेज भर लेना, ठीक है ना। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो जो है आप लोगों की सहनाज, सहनाज कॉलेज ऑफ नर्सिंग और शिवाजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये चीज आप ध्यान रखें। इसके बाद में जो है आप लोगों की मैं बात करूँ यहाँ पर, इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देख लो कॉलेजेस के नाम मैं आप लोगों को यहाँ पर रख रहा हूँ। श्री राधा रमन कॉलेज, इसके बाद में श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ, और सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सही है ये भी, सिद्धार्थ कॉलेज है ना। सोनी नर्सिंग कॉलेज, ये भी सही है। ST थॉमस कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये भी थोड़ी बहुत सही है ना, ज़्यादा तो नहीं। स्टार नर्सिंग कॉलेज, अभी नाम तो लिख दिया स्टार, बट ये इसमें स्टार वाली कोई बात नहीं है ना, अच्छी नहीं है ये कॉलेज, जितनी अच्छी होनी चाहिए ना उतनी अच्छी है नहीं, ठीक है, नाम के अकॉर्डिंग नहीं है ये कॉलेज, है ना। इसके बाद में अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो देखो भाई सुपर किंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये भी थोड़ी ऐसी है ना, टड़म टोड़ है ना। इसके बाद में है सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, इसके बाद में है टैगोर नर्सिंग कॉलेज, ये भी थोड़ी सही है ना। तिलक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये भी सही है थोड़ी। उपचार कॉलेज ठीक ठाक है ना। विनायक कॉलेज, ये भी सही है। और रामी देवी कॉलेज, ये थोड़ा लो है ना, बट भर देना आपको तो ना, अपन को तो नर्सिंग करनी है भाई, 4 साल का कोर्स करना अपन को। इसके बाद में हम अजमेर की बात करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वो, तो ना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसके ज्यादा कमेंट आएंगे जो भी डिस्ट्रिक्ट के, उसी की हम बात कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने जयपुर के आप लोगों को कॉलेजेज बता दिए। अब बात रही कि भैया हमें काउंसलिंग करवानी है, तो कैसे, क्या प्रोसीजर है? तो काउंसलिंग का प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है। 9828306559 व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर जाके आप मैसेज कर दो कि भैया हमें काउंसलिंग करवानी है। बट रिजल्ट से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करवा लोगे तो आपके ₹300 लगेंगे, रिजल्ट के बाद रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो आपके ₹500 लगेंगे। ये बात आप ध्यान रख लेना, क्योंकि हमारे पास, हमने 150 स्टूडेंट का बैच रखा था कि 150 स्टूडेंट्स की करेंगे, वो रजिस्ट्रेशन हमारे पास में हो चुके हैं, मतलब 5-6 रजिस्ट्रेशन रहे हैं, वो सुबह तक इस वीडियो के बाद में हो जाएंगे। उसके बाद में हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनसे हम ₹500 लेंगे, क्योंकि उनकी हम फिर अलग से, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स की, और ₹500 की इसलिए करेंगे कि ताकि स्टूडेंट्स फिर कम हो जाएंगे ना, ₹300 में तो बहुत सारे स्टूडेंट आ गए, ₹500 में तो कम आएंगे, तो फिर उनके हम कर लेंगे ना। बट अभी जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारे पास में ऑलरेडी करवा दिया, और कॉलेज सभी को दिलवाएंगे ना, जो अभी करवाएगा उनको भी, जो बाद में करवाएगा ₹500 देके उनको भी करवाएंगे ना। तो जो भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है वो करवा सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, 9828
2830-6559 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो कि भैया मेरा रजिस्ट्रेशन करवाना, और फिर बोल रहा हूँ रिजल्ट से पहले पहले करवा लो, उसके बाद फिर 500 रुपये लगेंगे, फिर मत बोलना भैया 300 में कर लो, तो नहीं हो पाएगा, है ना। क्योंकि हमें भी तो भाई देखना पड़ता है ना कि कितने सारे स्टूडेंट हो गए हैं, उनकी भी तो करनी है सभी की, है ना। तो जो भी करवाना चाहता है करवा सकता है, बाकी कॉलेजेस मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो आप बताएंगे उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। या टॉपिक आप मुझे नीचे कमेंट में बता देना किस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए, उस टॉपिक पर अपन वीडियो बनाएंगे। बाकी मैं मिलता हूँ गाइस आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।